वेलकम टू ऑल। टुडे वी स्टार्ट क्लास 6 एक्सरसाइज 8.1। ओके तो बेटा देखिए, इसमें आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 तक हम इसमें बेसिक कर चुके थे। डेसिमल वाला पार्ट है, इसमें ज्यादा कुछ आपका था नहीं, ठीक है। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो और वीडियोस देखने और क्लास 6 क्लास की या 7 क्लास की, 8 क्लास की, 9, 10 जिस भी क्लास की वीडियो देखनी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे आप लोग, तो प्लेलिस्ट में आपको हर क्लास का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो वहां पे आपको सारी वीडियोस आपको दिख जाएंगे और चैप्टर वाइज आपकी सारी वीडियो डली हुई है, आप वहां से उसका फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया बेटा, डेसिमल, ठीक है। राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन, इन डेसिमल को फ्रैक्शन की तरह लिखना है। राइट डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन कैसा होना चाहिए बेटा आपका, सबसे लोएस्ट टर्म में होना चाहिए। फ्रैक्शन कैसा होना चाहिए, सबसे लोएस्ट होना चाहिए, क्लियर है। फ्रैक्शन आपका सबसे लोएस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका डेसिमल को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन आपका सबसे लोएस्ट होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं पहला ए पार्ट, ठीक है, 0.6। तो देखिए 0.6 देखिए बेटा आपके पास क्या है, पॉइंट हटाएंगे तो 6/10। हमने फ्रैक्शन डेसिमल को किस फॉर्म में लिख लिया, फ्रैक्शन, लेकिन फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए, 2, 3, 6, 2, 5, 10। तो आपका क्या आ गया, 3/5 आपका आ गया। क्या आ गया बेटा आपका, 3/5 आपका आंसर आ गया, क्लियर है। अगला देखिए 2/5 आपके पास, तो 2.5 का क्या हो जाएगा, 25/10। हमने इसे फ्रैक्शन में लिख लिया, 5/5 = 25, 5/2 = 10। अभी भी देखिए कैसा फ्रैक्शन आपका, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। आपका देखिए अगर फ्रैक्शन लोएस्ट प्रॉपर करना है तो आपको वैसे तो नॉर्मल लोएस्ट फ्रैक्शन में बोला सबसे लोएस्ट हो गया, लेकिन इसे प्रॉपर में भी कर लीजिए। प्रॉपर में करने का तरीका आपको बताया जाता है कि आप डिवाइड करते हैं, 2 to 4 आपका 1 आ गया, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा लोएस्ट में, 5/2 = क्या लिख सकते हैं, 2 1/2। क्या लिख सकते हैं, 2 1/2। क्या हो जाएगा, 2 to 4 1 5/2। ओके क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आपके पास इसका हम डी पार्ट देखते हैं, ठीक है। डी पार्ट 3.8 में देखिए क्या हो जाएगा, 38/10 हो जाएगा, 2 5 10 2 1 1 2 9 18। तो कितना आ गया, 19/5 आ गया। कितना आ गया बेटा आपका, 19/5। ये सबसे लोएस्ट हो गया, ठीक है, सबसे लोएस्ट हो गया। लेकिन लोएस्ट होने के साथ साथ कैसा है, ये आपका इम्प्रॉपर है, ठीक है। कैसा है बेटा आपका, ये इम्प्रॉपर है। प्रॉपर में करने के लिए वही करेंगे, 5/3 15, ठीक है, 5/3 15, 3/4/5 आ जाएगा, 5/3 15 = 19, ठीक है, क्लियर है। 5/3 15 = 19/5 आपका आ गया, समझ आ गई बात है। तो आई होप आपको बाकी क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन भी आपने करने हैं और आपने ग्रुप में डालने हैं। आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पहले क्या करिए, सबसे पहले क्वेश्चन के पॉइंट्स को हटाइए, फ्रैक्शन में लाइए, फ्रैक्शन के बाद से लोएस्ट फ्रैक्शन में लाइए, लोएस्ट फ्रैक्शन में सॉल्व करने का उसको किसमें कर दीजिए, आपको मिक्स फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट कर दीजिए, क्लियर है। नोट डाउन करिए बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बेटा आप लोग क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि आपके जो भी यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। किसमें करना है, सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। किसमें करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आपका पहला देखिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूनिट को देखेंगे, यूनिट हमारे पास गिवन क्या है। पहली यूनिट गिवन है 2 mm, 2 mm को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 2 mm को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा आप लोगों को, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रिलेशन देखिए, 10 mm किसके इक्वल होता है आपका, 10 mm आपका होता है 1 cm के इक्वल। तो 1 mm किसके इक्वल होगा, 1/10 cm, 1/10 cm के इक्वल होगा। हमें निकालना क्या है, 2 mm, तो 2 mm 2/10 cm हो जाएगा। और देखिए किसमें आना चाहिए आपका आंसर, आपका आंसर कह रहा है किसमें आपका आंसर, डेसिमल में आंसर किसमें आना चाहिए, कन्वर्ट इनटू, और आपका आंसर आना चाहिए डेसिमल में, क्लियर है। तो आपका कितना हो जाएगा, 0.2 cm। तो 2 mm किसके इक्वल आ गया, 2 mm आपका आ गया 0.2 cm के इक्वल आ गया, क्लियर है। अगला देखें हम 116 mm देखते हैं, सी पार्ट 116 mm, क्लियर। तो देखिए आपके पास अगेन वही 10 mm किसके इक्वल है आपका, 1 cm के इक्वल है। 1 mm किसके इक्वल हो जाएगा, 1/10 cm, 116 mm बेटा किसके इक्वल होगा, ठीक है आपका 116/10 = 11.6 cm, किसके इक्वल हो जाएगा, 11.6 cm, क्लियर है। कोई दिक्कत आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा, बाकी क्वेश्चंस भी आप इसी तरीके से करेंगे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। अब आपका डी पार्ट दिया पड़ा है, डी पार्ट में देख लीजिए बच्चे, डी में थोड़े से गड़बड़ कर जाते हैं। डी में देख क्या दिया पड़ा, 4 cm and 2 mm आपको बोला गया है। तो 4 cm देखिए, 4 cm 2 mm है, 2 mm को देखिए 10 से डिवाइड कर दूंगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा,
4 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों का हो गया है, बाकी पार्ट एज इट इज आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है, नोट करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग बेटा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करिए अच्छे से नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 7 देखते हैं, दो क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 6, 5, 6 हम कर चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे बेटा आप लोग, क्या है बिटवीन विच टू होल नंबर द नंबर लाइन्स आर गिवन लाइक विच आर द फॉलोइंग होल नंबर नियरेस्ट द नंबर, ठीक है। तो आपसे पहले सबसे पहले नंबर लाइन की बात कर रहा है यहाँ पे, देखिए इसको समझ लेते हैं। एक नंबर लाइन की बात कर रहा है यहाँ पे, एक नंबर लाइन हम लोग बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक नंबर लाइन हम लोगों ने बना ली, नंबर लाइन बनाने के बाद आपके पास क्या बोला गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्लियर 11, 12, ठीक है। 10 के बाद आपके पास आ जाएगा 11, 12, ये आपके पास आ गया। अब आपसे बोला गया देखिए ए आपका 0.8 है, ए आपका क्या है 0.8, 0.8 कहां पर है, तो 0.8 लिखिए यहां पर है, 0.8 कहां पर आएगा यहां पर आएगा, तो आप लिख दोगे यहाँ पे क्लोज टू वन, किसके क्लोज है बेटा 1 के क्लोज है, किसके क्लोज है क्लोज टू 1, ठीक है। नियरर, नियरर का मतलब भी सेम होता है, क्लोज का मतलब भी सेम होता है। अगला आपको बोला गया 5.1, देखिए बेटा 5.1 यहां पर आएगा, 5.1 क्लोज टू फाइव आ गया, किसके आ गया बेटा आपका क्लोज टू 5 आ गया, क्लियर है। आगे देखिए आपसे बोला है 2.6 देखेंगे तो 2.6 बेटा देखिए 2 और 3 के बीच में 2.6 आएगा, 2.5 बीच में आएगा, 2.6 उसके आगे आएगा, तो क्लोज टू 3 किसके क्लोज आ गया क्लोज टू 3 किसके क्लोज आ गया बेटा यहाँ पे आपका क्लोज टू 3 आ गया, किसके क्लोज आ गया आपका 3 के क्लोज आ गया, समझ आ गया आपको बातें, ठीक है। डी देखिए आपका 6.4 आपका यहाँ का ही आएगा, 0.5 से पीछे आएगा, तो क्लोज टू किसके आ जाएगा क्लोज टू 6 आ जाएगा, किसके क्लोज आ जाएगा बेटा आपका क्लोज टू 6 आ जाएगा, समझ आ गई बातें आपको। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। देखिए इसके बाद आपको ई दिया पड़ा है, ई सॉरी ई दिया पड़ा, एफ दिया पड़ा आपको, एफ दिया पड़ा आपको 4.9 आपके पास बेटा कहाँ पे होगा यहाँ पर होगा, 4.9 यहाँ पे होगा, तो क्लोज टू किसके आ जाएगा क्लोज टू 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा आपका क्लोज टू 5 आ जाएगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, कोई नंबर है आपका 0.5, अगर 0.5 से अगर इधर की बात करता है तो क्लोज टू इस नंबर की होगा, 0.5 से ग्रेटर की बात करता है, जैसे मान के चलिए अगर 1 और 2 है, 1.4 कर रहा है तो क्लोज टू 1 होगा, 1.6 कर रहा है तो क्लोज टू 2 होगा, इस बात का आपने हमेशा से शुरू से ध्यान रखना है, क्लियर है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए शाबाश। शो द नंबर ऑन नंबर लाइन, तो बेटा आप खुद से करेंगे, मैंने आपको समझा दिया है आप लोगों को, आप लोग क्या करेंगे हर नंबर के बीच में आप क्या करेंगे 10 गैप्स बनाएंगे, जैसे आप ग्राफ कॉपी लेंगे, इसके लिए क्या लेंगे आप लोग ग्राफ कॉपी ले सकते हैं, ग्राफ पेपर ले सकते हैं, ग्राफ कॉपी ले लीजिए या ग्राफ पेपर ले लीजिए। पेपर में क्या करना है आप लोगों ने, ग्राफ आपके बॉक्स बने होते हैं, ठीक है, आपके सारे के सारे बॉक्स बने होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, बीच में ग्रीन लाइन होती है आपकी 0.5 की होती है। अगर आपसे बोला जाए, जैसे बाई चांस आपसे यहाँ पे बोला गया है कि आपने 0.2 या 1.9, तो 0.2 जीरो से यहाँ से आता है, 0.2 यहाँ पहला दूसरी लाइन, 1.9 यहाँ पे आप गिनोगे तो आपको बॉक्स गिने आ जाएंगे वहां पे, इस एरो लगा के 1.9, इस तरीके से आपने फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद से करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में आपने, मैं आपको समझा दिया है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 8 खुद से ट्राई करना है, क्लियर है, समझ आई आपको बातें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है, पहले इतना नोट करिए, देन क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं हम लोग। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, राइट द डेसिमल नंबर एक्सप्रेस्ड रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी डी ऑन द गिवन नंबर लाइन, तो आपने डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करने हैं ए बी सी डी पे, ठीक है। तो ए बी सी डी पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे आपके पास क्या क्या गैप है। अब देखिए बेटा यहाँ पे एक लाइन है इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे
जीरो से लेके वन, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये आपका वन होगा ठीक है। इसके बाद आपके टू थ्री इसी तरह बना हुआ है ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यहाँ पर टू हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है, बीच में नाइन आना चाहिए। इसी तरीके से आपको थ्री दिया पड़ा है ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यहाँ पर थ्री आ गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इस चीज को समझना आपसे, वन से दो पहले आपका ए बोला गया है ठीक है, अब आगे आपका वन के बाद वन टू थ्री, वन टू थ्री पे आपका बी बोला गया है ठीक है, फिर आपका टू के बाद वन टू पे सी बोला गया है यहाँ पे आपके पास, और थ्री पे सी के बाद आपका डी भी ऐसा है यहाँ पे, डी भी है बेटा आपका ठीक है, थ्री आपका थ्री है, थ्री के बाद आपका थ्री से पहले आपका यहाँ पे डी बोला गया है ठीक है। अब आपसे बोला गया कि इनकी वैल्यूज को बताइए, कितने कितने वैल्यूज इनके आ रही है, तो अगर आप ए के लिए देखेंगे, ए के लिए देखेंगे आप यहाँ से वन है आपका टोटल, बीच में कितना गैप है, टेन का गैप है ठीक है, टोटल कितना गैप है, टेन का, लेकिन कौन से पोजीशन पे आ रहा है आपका, एट पोजीशन पे आ रहा है, एट बाय टेन, तो क्या हो गया जीरो पॉइंट एट। दोबारा सुनिए, आपके पास टोटल कितना है आपका, देखिए टोटल टेन पोजीशन है, किस पे आ रहा है, एट पे, एट बाय टेन कितना हो गया आपका जीरो पॉइंट एट। अब आपको बी देखना है, बी आपके पास देखिए यहाँ पर टेन हो गया, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, थर्टीन बाय कितने का गैप है यहाँ पे सबके बीच में, टेन का गैप है, तो कितना आ गया वन पॉइंट थ्री। हमें गैप देखना है कि जीरो और वन के बीच में, जीरो वन के बीच में कितना गैप था, यहाँ टेन का गैप है, यहाँ पे भी कितना गैप है, यहाँ टेन का गैप है, और आगे भी हमारे पास कितना गैप है, टेन का गैप है, समझ आई बात। तो टेन का गैप है, आपने सिंपल नंबर काउंट करने है, किस नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है, किस नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर एट पे था एट बाय टेन, यहाँ पर थर्टीन पे था थर्टीन बाय टेन, ये ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ठीक है। सी किस पे आपका ट्वेंटी टू बाय टेन, ट्वेंटी टू बाय टेन कितना हो जाएगा आपका टू पॉइंट टू, टू पॉइंट टू हो जाएगा। अगला देखिए हमसे क्या बोला गया, डी, डी देखिए आपका ट्वेंटी, ट्वेंटी के बाद आपका थर्टी, थर्टी में एक कम करेंगे तो कितने पे ट्वेंटी नाइन पे, तो D किस पे आपका 29 बाय 10, 29 बाय 10 क्या हो जाएगा 2.9 आ जाएगा, 29 बाय 10 क्या आ जाएगा आपका 2.9 आ जाएगा, समझ आई आपको बातें। 8 बाय 10 0.8 आ गया, 13 बाय 10 1.3 आ गया, 22 बाय 10 2.2 आ गया, 29 बाय 10 2.9 आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत आप लोगों को। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं, और आप लोगों ने सिर्फ ये काउंट करना है कि आपकी पोजीशन कहाँ पर है, पोजीशन एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर है, और डिवाइड किससे करना है, जो आपके नंबर के बीच में जितने का गैप होगा। अगर ये गैप वेरिएबल है तो डिपेंड उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में मैक्सिमम 99.9% क्वेश्चन में गैप आपका ऑलवेज कैसा आता है, सेम आता है, गैप कैसा होता है ऑलवेज आपका सेम होता है, क्लियर है, नोट डाउन करिए। तो आई होप आपको पूरी पूरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट्स में जाकर जरूर लिखिएगा कि आपको इस जगह पे डाउट है, उसको डाउट को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आके, जो भी आपकी वीडियो होगी ठीक है। और आप लोगों ने इस चीज में हमेशा ध्यान दे रहे हैं कि आपको अगर वीडियो अगर देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके शुरुआत से वीडियो को देखिए, सारी चीजें आपको ज्यादा अच्छे समझ आएंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।